बीन है, तीसरा आड़ू है, और चौथा जो है ये अनार है। और अनार का कुरान मजीद में जिक्र है, और हज़रत मौला अली फरमाते हैं मन अकला रुमानतन नवर अल्लाह कलबा, जिसने अनार खाया अल्लाह ताला उसके दिल को रोशन कर देगा। फिर हज़रत अली फरमाते हैं मन अकला रुमानहु बिशाम ही फ़इन्नहु दुबागुर मेदा, यानी अनार को छिलके समय खाओ। ये जो अनारदाना हम खाते हैं ना, अनारदाना बाजार से मंगवाते हैं, वो तो अनारदाना है ना जी, तो अनार का दाना भी नहीं खाना चाहिए, उसका छिलका भी खाना चाहिए। ये सुन्नत नबी है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब आपके कुछ सवालात हूँ, यानी मैं आपके सवालात के जवाब जो दूंगा वो तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उस रोशनी में, और अगर आपने कोई रूहानी इलाज भी पूछना है तो वो भी मैं कुरान हकीम की रोशनी में आपको बताऊँगा। आप मुझसे सवाल आप सर, यहाँ पे जो